टू द चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद में आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट की रिव्यू जो और ये प्रोडक्ट है लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट माइक्रो क्रिस्टल एसेंस। तो दिस इज हाउ द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो माइक्रो एसेंस क्या होते हैं सबसे पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। माइक्रो एसेंस जो है वो हमारे स्किन में एक वाटर लाइक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्किन के एकदम अंदर तक चले जाते हैं और स्किन को प्रॉपरली नरिश करते हैं, प्रॉपरली रिपेयर करते हैं, ट्रीट करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल बिकॉज इसका जो ये जो प्रोडक्ट एकदम वाटर की तरह होता है, बहुत लाइट होते हैं तो एकदम स्किन के अंदर तक जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए मैं प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैं बता दूँ मैं क्यों इसका रिव्यू आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये अगर बहुत लोगों को आप में से शायद पता होगा कि मैं मलेशिया में रहती हूँ और बहुत दिनों से यह प्रोडक्ट साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो रिसेंटली लॉरियल पेरिस यह प्रोडक्ट इंडिया में भी लॉन्च करने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ये प्रोडक्ट मैं ओपन करके दिखाती हूँ बॉटल। ये ऐसे कांच की एक बॉटल में आते हैं और आप देखिए ये जो अंदर का जो प्रोडक्ट है एकदम पानी की जैसा है। तो ये इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये बहुत ही लाइट वेट है और स्किन के अंदर तक जाके स्किन को ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप स्किन केयर आपको पसंद है, अगर आप अपना स्किन का केयर करते हैं तो आपको पता होगा। तो ये जो माइक्रो एसेंस जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए और स्टिल ऑर्डर और इसके टू जो कि बहुत ही ब्रांडेड कोरियन कंपनी है, इन लोगों का माइक्रो एसेंस मार्केट में चलते हैं और बहुत अच्छे हैं। बट वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो मुझे बहुत दिनों से माइक्रो एसेंस यूज़ करना था स्किन के लिए बट मैं नहीं कर रही थी बिकॉज दैट प्रोडक्ट्स वर रियली वेरी एक्सपेंसिव। रेगुलर यूज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए वो यूज़ करना। देन मुझे मिला ये लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट और ये काफ़ी अफोर्डेबल है तो इसीलिए मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत आसान है इसको यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि बहुत तामझाम की ज़रूरत है, इवन आपको कॉटन पैड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पम्प में इसको लेना है, सॉरी ढक्कन गिर गया था, इसको सिर्फ अपने पम्प में लीजिए 3-4 ड्रॉप्स और एकदम पानी के जैसा है तो एकदम ऐसे अपने पूरे फेस में आप लगा दीजिए। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है स्किन केयर, तो जब करती हूँ मैं सुबह और रात को तब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आफ्टर वॉशिंग योर फेस लाइक फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस पैक, ये सारी चीज़ यूज़ करने के बाद जब हम लोग स्किन में लगाते हैं टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आप इसको लगा लीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए, क्योंकि ये एकदम स्किन के अंदर तक जाके आपको स्किन को नरिश कर देगा, हाइड्रेट करेगा और उसके बाद मॉइस्चराइज़र जब आप अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके स्किन जो है वो अच्छे हो जाएंगे। आप इसको सनस्क्रीन के साथ, अगर सुबह आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन के साथ इसको मिक्स करके लगा दीजिए स्किन में, तो एक साथ में जल्दी हो जाएगा क्योंकि सुबह हमेशा हम लोग की जल्दी रहती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट लगाना एक के बाद एक के बाद एक के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन स्किन केयर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसीलिए सनस्क्रीन के साथ आप मिक्स करके इसको लगाइए और जब आप रात को लगा रहे हैं तब तो आप टोनर लगाने के बाद इसको लगाइए या फिर इंस्टेड ऑफ सेरम आप इसको लगा सकते हैं तो ये अच्छे से काम करेगा। सो तो ये जो प्रोडक्ट है ये 22 ml में भी आपको मिलेगा, 65 ml में भी और ये 130 ml में। तो 22 ml का है वो 250 के आसपास उसका प्राइस है। वैसे इस प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको चेक करना है तो आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो 65 ml है दैट इज़ अराउंड 799 प्राइस है और सबसे बड़ा है ये वाला 130 ml, इसका प्राइस है अराउंड 1400। तो आपको अगर पहली बार ट्राई करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटा वाला लीजिए, आप ट्राई करके देखिए आपकी स्किन में अगर आपको लग रहा है, जो कि मुझे
पता है कि आपको जरूर लगेगा कि स्किन में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो ही आप बड़े वाले में इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। और क्योंकि ये कांच की बॉटल में आते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हमें होना पड़ेगा जब आप यूज़ करेंगे, बट ये एकदम स्लिक लुक में है, बहुत बल्की नहीं है, ये अच्छी बात है। और कांच जो है वो भी काफ़ी मोटा वाला कांच है तो आसानी से टूटेगा नहीं, बट डेफिनेटली वी हैव टू बी केयरफुल जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये सारे प्रोडक्ट तो हम लोग ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं वैसे तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, तो दैट इज़ इट। और ये माइक्रो एसेंस किसी भी स्किन टाइप पे काम करेगा, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बाइन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी वेदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ड्राई वेदर में है या फिर आप ह्यूमिड वेदर में है, आपको आप इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इतना लाइट वेट है और ये एकदम स्किन के अंदर तक जाके स्किन को प्रॉपरली ट्रीट करता है, नॉरिश करता है, स्किन को ग्लो करता है, स्किन को प्रॉपरली रिपेयर करता है। तो ये किसी भी स्किन टोन स्किन टाइप के लिए किसी भी वेदर में ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसे क्लर्क की हूँ कि मुझे बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स लाइक 7-8 स्टेप स्किन केयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट एवरी डे इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट केस मैं सेरम यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं टोनर भी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है माइक्रो एसेंस, ये मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के बाद। इंस्टेड ऑफ टोनर एंड सेरम सिर्फ माइक्रो एसेंस लगा दिया और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लिया, बस हो गया। सुबह उठने के बाद लगता है कि नहीं, मैंने प्रॉपरली मेरा स्किन जो है वो रात भर प्रॉपरली रिपेयर हुआ है, क्योंकि दिन भर हम लोग बहुत सारे पॉल्यूशन, कुकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन हमारे स्किन को रफ बना देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इसको प्रॉपरली रिपेयर करने के लिए, प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा माइक्रो एसेंस जो है बहुत अच्छे से काम करता है। सो ये थी मेरी आज की रिव्यू अबाउट दिस लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिफ्ट प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूर बहुत ही यूज़फुल होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय फ्रॉम देयर एज वेल। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना आपका एक्सपीरियंस। आई वुड डेफिनेटली लव टू नो आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए और ये दैट्स इट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।